दो सालों से सरकते सरकते आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था अचानक से डूबी हुई सी नजर आ रही है। अब देखिए ना, सरकारी आंकड़ों के अनुसार दो वर्षों के बाद भारत की आर्थिक वृद्धि पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में इस साल अप्रैल जून तिमाही में नाटकीय रूप से 23.9% कम हो गई है। कृषि को अगर अलग रख दिया जाए तो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में गिरावट देखी जा सकती है। माइनिंग एवं क्वेरिंग में 23%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 39%, ट्रेड, हॉस्पिटैलिटी और कम्युनिकेशन सेक्टर में 47% और कंस्ट्रक्शन में 50% तक की गिरावट देखी गई है। रबी का रिकॉर्ड फसल होने से और कोविड लॉकडाउन के दौरान कटाई संचालन को दी गई छूट के कारण कृषि क्षेत्र में 3.4% बढ़त दिखाई देती है। आर्थिक विकास 2018 की शुरुआत से ही गिर रहा था और पिछली तिमाही यानी कि जनवरी मार्च 2020 में यह 3.1% कम हो गया था। अप्रैल जून की तिमाही में आने वाली गिरावट बिना सोचे समझे खराब तरीके से लागू देशव्यापी लॉकडाउन का सीधा नतीजा है। ऑस्ट्रेलिया, रूस और चीन के अलावा ज्यादातर देशों में आर्थिक गिरावट ही देखी गई है। चीन जो सबसे पहले महामारी की चपेट में आ गया था, उस देश ने मजबूती से महामारी से लड़ाई करी और आर्थिक विकास में अविश्वसनीय 3.2% वृद्धि हासिल करी। वहीं पर बाकी दुनिया डूब रही थी और इसी के साथ भारत सरकार को दुनिया की सबसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे बड़ी आर्थिक गिरावट का नेतृत्व करने का भी गौरव प्राप्त हो गया। अचानक बिना तैयारी के पूरे देश में तालाबंदी थोप दी गई। इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे देश में अचानक ही सभी आर्थिक गतिविधियों पर ताला लग गया। 27 मार्च को अचानक हड़बड़ी में कृषि कार्यों को भी फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई, क्योंकि गृह मंत्रालय को अचानक महसूस हुआ कि पूरी रबी फसल खेतों में पकी हुई है और कटाई के लिए तैयार है। कुछ समय बाद कुछ अन्य विशिष्ट व्यवसायों को भी अनुमति दी गई, जैसे मछली पकड़ना इत्यादि, और इन्हीं कुछ रियायतों ने कृषि क्षेत्र को इसी तिमाही में 3.4% की वृद्धि करने में सक्षम बनाया। अनौपचारिक क्षेत्र यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर के लिए ये आर्थिक गिरावट सबसे विनाशकारी रही। याद रखिए, 96% भारतीय अनौपचारिक क्षेत्र में ही काम करते हैं और इसमें कृषि भी आता है। एक और चीज याद रखने के लायक है कि अभी तो ये 23% की गिरावट और भी घट सकती है। इन प्रोविजनल आंकड़ों में अनौपचारिक विनिर्माण और सेवा यानी इनफॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर्स के आंकड़ों का अभी तक हिसाब भी नहीं किया गया है। आज का डेटा अर्थव्यवस्था के कुछ और पहलुओं पर भी रोशनी डालता है। निजी खपत की कुल संख्या GDP का 54.3% बनाता है और अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख चालक है। पिछले साल को इसी तिमाही में यह GDP का 56.4% था। इस बार निजी खर्च में लगभग 27% गिरावट आई है। इसका मतलब यह है कि लोग या तो बुनियादी वस्तुओं पर खर्च करने में असमर्थ थे या उनके पास खर्च करने के लायक पर्याप्त धन नहीं था। लेकिन इस बात में कोई अचरज नहीं होता, क्योंकि अधिकांश भारतीयों की बचत होती ही कहाँ है और थोड़ी ही सही अपनी कमाई के भरोसे ही लोग खर्च चलाते हैं। इसका मतलब है कि सरकार ने लोगों को अपने भाग्य पर ही छोड़ दिया था। लोगों के हाथ में पैसा देने से शायद इस स्थिति में सुधार लाया जा सकता था, जैसा कि कई देशों ने इस महामारी के दौरान किया भी, लेकिन हमारी सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया और यही वो सबसे बड़ी गलती है जो कि आज हमारी अर्थव्यवस्था का तबाही का कारण बनी। इस तिमाही में निवेश लगभग 48% घट गया और GDP में निवेश की हिस्सेदारी 29% से घटकर लगभग 20% हो गई। कॉर्पोरेट संस्थाओं को भारी रियायतें देना और बैंक ऋण को उनके लिए आसान बनाना, यह भी सरकार का नैतिक दिवालियापन दर्शाता है। पिछले साल के कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के कारण बड़े पूंजीपतियों को लगभग 1.45 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। महामारी के दौरान भी इसी नीति को जारी रखा गया। लाखों करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइनें खोल दी गई इस गलत नैतिक विश्वास से कि निवेश बढ़ेगा और उससे रोजगार बढ़ेगा, इस प्रकार डूबती अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जैसा कि GDP डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है। CMIE डेटा के हिसाब से अप्रैल 2020 में बेरोजगारी की दर लगभग 23% तक बढ़ गई थी,
जिसके बाद यह जून में लगभग 11% तक पहुंच गई और अगस्त के अंत तक 8.3% पर है। जून तक धान की बुवाई शुरू हो गई थी और इस प्रकार कृषि क्षेत्र ने एक शॉक अब्जॉर्बर का काम किया। भारी संख्या में लौटे प्रवासी श्रमिक और ग्रामीण गरीब ज्यादातर इसमें लग गए। हालांकि इससे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे नहीं गए। बेरोजगारी की वर्तमान दर एक नए सामान्य या न्यू नॉर्मल सा प्रतीत होती है और आने वाले दिनों में और बिगड़ने की संभावना रखती है। आने वाले महीने अर्थव्यवस्था के लिए कुछ अच्छे नहीं दिखाई पड़ते। डिमांड को पुनर्जीवित करने के लिए कोई नीति परिवर्तन नहीं हुआ है। बेरोजगारी अभी भी अधिक बनी हुई है। मध्यम और छोटे स्तर के क्षेत्र तो जैसे नष्ट ही हो गए हैं और कोविड की संख्या में भी हम तेजी से दुनिया में टॉप करने वाले हैं और हमारी सरकार ना तो प्रचंड महामारी से और ना ही तबाह अर्थव्यवस्था से निपटने में समर्थ है।